अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही कार सवार दो युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। कार सवार दोनों युवक सुरक्षित हैं, जो लखनऊ से वाराणसी जा रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किलोमीटर संख्या 71.4 का है, जहां आज शाम लखनऊ के रहने वाले दो युवक अरविंद कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद वर्मा और हिमांशु पुत्र कमलेश वर्मा लखनऊ से वाराणसी जा रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किलोमीटर संख्या 71 के पास पहुंचते ही अचानक उनकी गाड़ी से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलते देख दोनों युवक तुरंत गाड़ी से निकले और गाड़ी से निकलते ही कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और आग लगते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बाजार शुक्ल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। वहीं पूरे मामले पर बाजार शुक्ल थाना प्रभारी तरुण पटेल ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कार में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कार सवार दोनों युवक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो लखनऊ से वाराणसी किसी काम से जा रहे थे।